ईशान देखिए, बुनियादी मसला कश्मीर का मसला है और इस मसले को तो ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना साइडलाइन किया जा सकता है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा कि दोनों मुल्कों को ये बात समझनी होगी कि कोर इशू जो है वो ना तो दहशतगर्दी है, कोर इशू ना तो सियाचिन है, ना ही ट्रेड है, ना ही 26/11 है, ना ही मुंबई ट्रायल्स हैं या बाकी जो इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ अहम इश्यूज़ हैं, लेकिन कोर इशू जो है वो कश्मीर का मसला है और कश्मीर के मसले पे जब तक बात नहीं होगी दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर इनको कोई पेशरफ्त करनी है, अब अगले साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर भारत के जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनके पास एक साल है। हम ये महसूस करते हैं कि कश्मीर पर जब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर स्पेसिफिक कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स उठाए जाएं, कश्मीर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स उठाए जाएं, ताकि जो है वो कोर इशू की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो बाकी प्रॉब्लम्स है दोनों मुल्कों की वो तो अपनी जगह है ही। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कश्मीर पे पेशरफ्त होती है, कोई डेवलपमेंट फॉरवर्ड होती है, कोई प्रोग्रेस होती है, बाकी मसलों पर भी जो है प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होगी। तो कश्मीर को ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही साइडलाइन पर रखा जा सकता है।